हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं भरेला भिंडी। आप देख सकते हो भिंडी जो है हमारा बहुत ही अच्छे से दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। फ्लेम ऑन करके हम उस पर एक पैन रख देंगे और इस पैन में हमें एक कप तिल डाल के उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तिल अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब उसी पैन में हम मूंगफली भी डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मूंगफली भी हमारे अच्छे से फ्राई होके तैयार हैं। अब इन्हें भी हम एक प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे। अब एक छोटा सा जार ले लेंगे और इसमें हमें फ्राई किया हुआ मूंगफली और तिल डाल देंगे और इसे एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हो अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी जार में हमें हरी मिर्च, प्याज, लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, धनिया आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, नमक आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा चम्मच, जीरा और आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हो ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसी जार में हमने फ्राई किया हुआ मूंगफली और तिल का मिक्सचर ऐड कर देंगे और इसे फिर से एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने यहाँ पे भिंडी ले लिया है और इन्हें अच्छे से साफ कर लेंगे। भिंडियों को हमने अच्छे से साफ कर लिया है, अब इन्हें हम कट कर लेंगे। भिंडी के दोनों साइड के हिस्से हमें काट के निकाल देने हैं और बीच में से ऐसे काट लेने हैं ताकि मसाला जो है हम अच्छे से भर पाए। तो इसी तरह से आपको सारी भिंडियाँ जो है अच्छे से काट के रख लेने हैं। हमने भिंडियाँ काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसमें हमें ग्राइंड किया हुआ जो मिक्सचर था उसे भर देना है। तो इस तरह से आपको सारी भिंडियों में मसाला जो है अच्छे से भर देना है। मसाला भर के हमने भिंडियों को तैयार कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख देंगे और एक बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हमें थोड़े से राई, 2 से 3 कूटे हुए लहसुन के दाने, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी और हमने जो भिंडियाँ भर के रखे थे मसाले के साथ वो सारे भिंडियाँ हम इसमें डाल देंगे। और इसे 5 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें हमें भिंडियों में भरने के बाद बचा हुआ जो मसाला था उसे पानी में अच्छे से मिक्स करके इसमें डाल देना है। अब इसे हम हाई फ्लेम में 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। आप देख सकते हो तेल जो है मसाले से अच्छे से छूट रहा है, इसका मतलब हमारा भिंडी बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है फ्रेंड्स, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।